दरियाए सिंध और दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब जबकि दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में पानी की आमद 3,81,000 क्यूसिक, पानी का अखराज 3,77,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की आमद 71,425 जबकि अखराज 46,125 है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब की निगरान काबीना ने तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी दे दी। ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा होगा। निगरान वजीर तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के तमाम मुतालबात मान लिए गए। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। रेस्क्यू 1122 के लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर पहुंच गईं। मरियम नवाज निजी एयरलाइन की परवाज पर दुबई से लाहौर पहुंची। मरियम नवाज को जाती सिक्योरिटी के हिसार में एयरपोर्ट से जाती उमरा पहुंचाया गया। मरियम नवाज ईद से पहले लंदन गई थी। रहनुमा नून लीग ने कुछ दिन नवाज शरीफ के साथ दुबई में भी क्याम किया। पीटीआई चेयरमैन का किस्सा तमाम हो चुका। संजीदा नाली अजाय फजल रहमान की रहनुमा फंक्शनल लीग सदरुद्दीन राष्ट्रीय से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा मरदम शुमारी के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होना चाहिए। इंतखाबात बारे निगरान हुकूमत ही बेहतर बता सकती है। मामला अब बेहतरी की जानब जा रहे हैं। सियासी लोग आवाम को मायूस नहीं करते। IMF से कहा गया कि पाकिस्तान के लिए सख्त पॉलिसियाँ रखनी है।